आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ दो वही सुर में हूँ आपके साथ यास्मीन खान। और अब चूंकि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस का फर्स्ट फेज जो है अब खत्म हुआ है और अब तैयारियां चल रही है सेकेंड फेज ऑफ असेंबली इलेक्शंस की, जो कल शुरू हो जाएगा। और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो तकरीबन 8 है और ये जो इलेक्शंस है कल श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, रजौरी और पुंछ में किया जाएगा। और इसमें वोटर्स जो है तकरीबन 20 लाख के करीब है और इन इलेक्शंस के लिए जो प्रिपरेशंस है वो आज ही यहाँ पे हो रही है। अभी जहाँ मैं मौजूद हूँ ये श्रीनगर का एसपी कॉलेज है और ये वो स्पॉट है जहाँ से कल गाड़ियाँ रवाना होगी और इलेक्शन की जितनी भी तैयारियाँ हो रही है वो सब यहीं पे अरेंजमेंट्स फैसिलिटेट किए गए हैं। और अगर हम बात करें पोलिंग स्टेशंस की तो तकरीबन 3000 पोलिंग स्टेशंस जो है रखे गए हैं लोगों के लिए, जहाँ पे वो लोग अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे। अब हम बात करें फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शंस की तो फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन जो है काफी डिफरेंट था क्योंकि इस बार साउथ कश्मीर में तकरीबन 61% जो वोटिंग है वो हुई। और साथ ही साथ जिस तरह साउथ कश्मीर में इलेक्शन को बायकॉट करने का ट्रेंड था वो इस बार नहीं देखा गया। अब श्रीनगर की अगर हम बात करें या सेंट्रल कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओवरऑल बात करें तो सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट जो है, जो की प्लेयर्स यहाँ पे है वो उमर अब्दुल्ला है और रविंद्र रैना बीजेपी से है, और ये दो जो लोग हैं वो टॉप प्लेयर्स हैं। ऐसे में एक और प्लेयर है जिनका नाम है सर्जन बरकती, जिन्होंने नॉमिनेशन सेंट्रल कश्मीर के लिए भरा है और उनको भी एक की प्लेयर समझा जा रहा है इस सेकेंड फेज ऑफ असेंबली इलेक्शंस में। कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सर्जन बरकती जो है कहीं ना कहीं वोट्स को डिवाइड करने में कामयाब हो गए। अब इस सिलसिले में क्या कुछ अरेंजमेंट्स है वो आप इस वीडियो के जरिए हम आपको दिखाएंगे। देखिए, अब आज P-1 डे है, आज सारी 9:32 पोलिंग स्टेशंस में इंडक्शन जो होता है, पोलिंग पार्टीज को हम इंडक्ट कर रहे हैं और शाम तक वो अपने अपने पोलिंग स्टेशन में रहेंगे। हम पूरी तैयारी कर चुके हैं और सिक्योरिटी के आस्पेक्ट पे भी सारी तैयारियां हो चुकी है। पोलिंग स्टेशंस रेडी हैं एज पर ECI गाइडलाइन जो वहाँ होना चाहिए, चाहे AMF की फैसिलिटी हो, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर हो, वो सारा हो चुका है। साथ ही साथ स्वीप एक्टिविटीज़ जो सिस्टमिक वोटर एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन की जो एक्टिविटी, जहाँ लोगों को बताया जाता है कि वोटर के वोटिंग की अहमियत कितनी है, उस पर भी बहुत काम किया गया है। वी आर एक्सपेक्टिंग गुड वोटिंग, वी आर ऑल प्रिपेयर्ड, और ऑल 8 असेंबली सेगमेंट्स के सारे ROs दे आर रेडी एंड वी आर एक्सपेक्टिंग गुड परसेंटेज ऑफ वोटिंग। लोगों के लिए ये फैसिलिटी रखी गई है कि दैट देयर इज़ नो क्लबिंग, सारे 932 पोलिंग स्टेशन पे वोटिंग होगा। इसका मतलब है मोहल्ले में पोलिंग स्टेशन होगा और उसका डिस्टेंस 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा। ये पहली फैसिलिटी है। दूसरी फैसिलिटी ये है कि दैट ईच एंड एवरी पोलिंग स्टेशन हैज़ अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी। वहाँ रैंप होगा जो फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए है, वहाँ पर व्हील चेयर होगा, वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर है, वहाँ सेपरेट टॉयलेट्स हैं, वहाँ पर वोटर फैसिलिटेशन सेंटर है, वहाँ पर क्यू मैनेजर्स हैं, वहाँ हेल्पर्स हैं। हमने पूरी कोशिश की है दैट एक अच्छा एक्सपीरियंस रहे वोटर को वोट करने के लिए, एज वेल एज पोलिंग स्टाफ जो वहाँ वोट करा रहा है उसके लिए भी एक कंफर्ट माहौल हो। हमने इंक्लूडिंग द, जैसे मैंने बताया कि हर किसी पोलिंग स्टेशन में वेबकास्टिंग भी है। वोटर से अपील यही रहेगी कि दैट इतनी मेहनत हमने की है इस जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट दिन जो है वो 25 सितंबर का है कल, और आप आइए वोट करिए। जिस तरीके से कि श्रीनगर की आवाम ने अपना पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद जो एडिशन्स हुए हैं अनएक्सपेक्टेडली हाई, बहुत ज़्यादा एडिशन्स हुए हैं, और मुझे लगता है जिस तरीके से मैं इंथुसियाज्म दिखा देख रहा हूँ उस टाइम जब उन्होंने एडिशन्स किए, अपने आप को एनरोल किया, आई एक्सपेक्ट दैट दीज यंग वोटर्स विल कम टुमारो एंड वोट इन मास।